अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, अपने सीनियर्स की हमेशा इज्जत करें। क्यों? कि अगर हम अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, उनके तजर्बे से कुछ सीखेंगे, उनकी बताए हुए तरीकों के ऊपर अमल करेंगे, तो याद रखें क्या होगा, हम जो तजर्बा 30 सालों में लेंगे वो हमें एक चंद लम्हों में मिल जाएगा, क्योंकि उसका 30 साल का तजर्बा, उस शख्स का, उस सीनियर का 30 साल का तजर्बा है, उस एक्सपर्ट का 30 साल का तजर्बा है। हम दुनिया में अगर सर उठाकर जिंदा रहना चाहते हैं, दुनिया में अगर कमाना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, फेमस करना चाहते हैं, तो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और अपने सीनियर्स के तजर्बे से सीखें और उनके तजर्बे पर अमल करें। एक ज़बरदस्त स्टोरी के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा जी, कि जो शख्स सीनियर की इंस्ट्रक्शन और उनके एक्सपीरियंस को फॉलो करता है वो कैसे कामयाब होता है, और वो शख्स जो उनके तजर्बे के ऊपर अमल नहीं करता वो क्या नुकसान उठाता है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना एक छोटा सा ये लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, एक जबरदस्त सी ब्रीफ सी स्टोरी है, एक आपने इसको जेन में रखना है, मैं स्टोरी सुना रहा हूं, आपने जेन में रखना है कि कैसे हम सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो फायदा है, और कैसे उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान है। दोस्तों, मैंने एक दफा क्या हुआ है, बाबा जी मुझे सुना रहे थे एक्सपीरियंस, बाबा बशीर हुसैन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मेरे से। वो कहते हैं बेटा, एक समंदर में मछली थी, छोटी मछली। वो छोटी मछली जब उसने देखा कि एक जगह पे ना उसको ज़बरदस्त उसकी फेमस फीड जो है वो नज़र आई, वो भाग के आई है उस तरफ। तो जब गई है उस तरफ तो उसने देखा है कि उसको ज़बरदस्त फीड है, वो खाने लगी है उसको, अपनी ज़बरदस्त फीड को। जब वो खाने लगी है तो एक बड़ी मछली उसके पास आई है, वो कहती है कि इसको खाना नहीं है। वो फौरन चौंक जाती है, वो कहती है खाना नहीं, ये क्या बात हुई। वो कहती है क्यों नहीं खाना सर। वो कहती है इसलिए नहीं खाना, अगर आप इसको खाओगे तो इस फीड के अंदर एक कांटा छुपा हुआ है, इस फीड के अंदर एक जाल है, इस फीड के अंदर वो शिकंजा है, इस फीड के अंदर वो नुकसान है जो आपको हर जगह पे रोलेगा, जहां तक कि आपकी जिंदगी खत्म कर देगा। जब उन्होंने ये सुना तो वो मछली कहती है कि लगता है तो मुझे ये पागल है, ये बड़ी मछली लगता है साजिश कर रही है मेरे खिलाफ, ये मुझे फीड खाने नहीं देना चाहती, ये बड़ी मछली चाहती है कि मैं कुछ ना इस्तेमाल करूं, मैं कुछ ना खाऊं, मुझे लगता है ये बड़ी मछली इसको खुद खाना चाहती है। जब उसने ये सुना है तो वो क्या कहती है, वो बड़ी मछली, उसने कहा चल ठीक है यार, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, मैं खुद देखती हूँ कि ये जो बड़ी मछली मुझे कह रही है कि ऐसे करो ऐसे करो, इसमें कुछ राज भी है, इसमें कुछ सच्चाई भी है, ये जो मुझे कह रही है कि ऐसे करो और ऐसे ना करो, इसने कहाँ से सीख लिया, इसको तो पता ही कुछ नहीं है, सब मैं इतनी माशा पूरे समंदर में घूमती हूँ मुझे पता है। उसने कहा ठीक है मैं इसको शेयर करती हूँ। उसने इधर उधर देखा, आइडो साइडों पर देखा, उसको कुछ नज़र नहीं आया। उसने देखा कि यहाँ पे कोई शिकंजा नहीं है, कोई जाल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नुकसान पहुँचा सके। उसने कहा ठीक है अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसने अपने जेन में अज्यूम कर लिया है कि ये बड़ी मछली जो है ये मुझे इस फीड से दूर करना चाह रही है, और ये बड़ी मछली चाहती है कि मैं ये फीड ना खाऊं और ये खा ले, या इसकी कोई चहेती मछली खा ले। मतलब ये उस मछली ने, छोटी मछली ने ये समझा कि ये बड़ी मछली मेरा नुकसान कर रही है, ये चाहती है कि मैं ये ना खाऊं और इसको ये खुद इस्तेमाल कर ले, इसको ये खुद यूटिलाइज कर ले। जब उसने ये सोचा तो उसने कहा ठीक है, मैंने तजर्बा भी कर लिया, मैंने रिसर्च भी कर लिया, मैंने उसमें समंदर में घूम के भी देख लिया, देयर इज नथिंग एनीवन डेंजरस। जब उसके जेन में ये ख्याल आया, उसने ये अज्यूम किया, उसका ये जेन बन गया कि यहाँ पे कुछ खतरनाक नहीं है, तो फिर उसने क्या किया, उसने उस जो फीड थी उसको पकड़ा, अपने जैसे ही उसने फीड को मुंह में डाला है, वो बोटी, वो फीड उसके अंदर जैसे गई है, वो हरकत जो उसने करनी थी वो उसने की है, जिस हरकत से उसका बड़ी मछली रोक रही थी, जिस हरकत से आपको आपके बड़े रोकते हैं,
वो हरकत जब बच्चा करेगा तो क्या होता है उसके साथ, ये बताने लगा हूं आपको मैं। जब उस मछली ने ये खा लिया ना, तो फिर क्या होता है, वो मछली के अंदर उसमें छुपा कांटा उसके अंदर चुभ गया, वो उसके अंदर ऐसे पेवस्त हुआ, उसके गले के अंदर उसने बड़ी उल्टी सीधी हुई, बड़ी उसने पलसेटे खाए, बड़ा उसने एफर्ट किया, उसने बड़ी कोशिश किया इस भंवर से निकले, बड़ी कोशिश किया इस मुश्किल से निकले, बड़ी कोशिश किया कि इस खतरनाक सूरत हाल से बाहर निकले और आजाद हो जाए। लेकिन क्या, फिर क्या होता है, फिर वो सारी स्टोरी रिपीट हो जाती है, क्योंकि बड़ी मछली कहती है बेटा अगर इसको खाओगे तो शिकारी आपको पकड़ लेगा, इसको खाओगे तो जख्मी हो जाओगे, इसको खाओगे तो नुकसान उठाओगे, इसको खाओगे तो अपनी जिंदगी तक गंवा सकोगे। जब ये सारी चीजें उसके जहन में आई कि यार अब ऐसा होगा, तो फौरन ही अगले लम्हे शिकारी अपनी डोर खींचता है। जैसे शिकारी डोर खींचता है मछली तड़पती है, और इसी तरह जब इंसान गुनाहों में फंस जाता है तो इंसान तड़पता है। जब इंसान को पता चल जाता है ना कि मैं फंस गया हूं, फिर इंसान तड़पता है, पलकता है, झपकता है, कुछ करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बच नहीं सकता। फिर इसी तरह वो मछली भी बचती नहीं है, बड़ी एफर्ट के बाद मछली ऊपर ऊपर छलांगे मार के क्या करता है, वो शिकारी उसको बाहर निकालता है। जब उसको शिकारी बाहर निकालता है तो उसको मछली को याद आता है, छोटी मछली को, कि बड़ी मछली ने कहा था कि इसको तुम्हें काट डालेगा, जख्मी करेगा, काट देगा, मार देगा, फिर उबलते हुए तेल में तुझे डालेगा। दोस्तों ये तमाम वो चीजें हैं जो इंसान के साथ होती हैं। हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, उनकी बातों को माने, क्योंकि आप देखें कि आपको क्या फायदा उनकी बातों का, यही फायदा है। अगर वो छोटी मछली बात मान लेती, इसको ना शिकार को, इसको अपने फीड को ना खाती, तो आज वो शिकारी उसको ना काटता, और ना उसको काटता, और ना उसको तेल में उबाल के उसको 10 उंगलियों से और 32 दांतों से खाता। ये 10 उंगलियां जो है ना, जैसे शिकारी की 10 उंगलियां, इसी तरह जमाने में हर जूनियर शख्स को, हर स्टूडेंट को, हर जूनियर शख्स को, वो शिकारी जो है वो अपने शिकार फेंके होते हैं, उन्होंने फीड फेंकी होती है। हम जब सीनियर की बात नहीं मानते तो हर स्टूडेंट नुकसान उठाता है, एजुकेशन में भी नुकसान उठाता है, बिजनेस में भी नुकसान उठाता है, बिजनेसमैन बिजनेस में नुकसान उठाता है, और सोशल स्टेटस वाला शख्स सोशल स्टेटस में नुकसान उठाता है। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, अगर आप चाहते हैं पैसा कमाएं तो सीनियर के तजर्बे से सीखें, अगर आप चाहते हैं कि तरक्की हासिल करें, पैसा कमाएं, तो अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस को फॉलो करें, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। उसके बाद वो शिकारी उनको खा जाता है। जब शिकारी उनको खा जाता है ना, तो फिर इस जगह पे वो बाबा जी मुझे कहते हैं, बाबा बशीर हुसैन, वो कहते हैं जी कि बेटा याद रखें, जिस तरह एक मछली समंदर में होती है, इंसान इस दुनिया में है। अगर इस दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है, तरक्की हासिल करनी है, अपनी इज्जत चाहते हो, तो ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर्स, अपने सीनियर्स के तजर्बे से फायदा उठाओ, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, ऑलवेज बी ओबीडियंट टू योर सीनियर्स। ठीक है गाइज, अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दें, स्टे ट्यून्ड विद मी, अल्लाह हाफिज़।